कस्टमर चैलेंजेस। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो एक शख्स की हो या एक लाख लोगों की हो, कस्टमर की तरफ से प्रॉब्लम्स, इश्यूज मौसूल होते हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा एट टाइम्स स्ट्रेस हो जाती है। अब अगर आप किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको जो कस्टमर्स हैं वो आईटी के इश्यूज लेकर आएंगे। अगर आप साइकिल बेचते हैं तो साइकिल की प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप आलू बेचते हैं तो भी कस्टमर सपोर्ट के लिए आपके जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो आपको, हो सकता है आपने कल जो आलू बेचे थे वो अच्छे ना हो, उसकी शिकायतें लेकर आएंगे। तो एट टाइम्स आपको चैलेंजिंग सिचुएशन मिलेगी और स्ट्रेस डेवलप होगा। एक अच्छे कस्टमर सपोर्ट एजेंट के लिए जो नंबर वन, सबसे पहले की सक्सेस के लिए है, वो है पेशेंस एंड एम्पैथी। अगर आपके अंदर सब्र है और एम्पैथी है, एम्पैथी कहते हैं अगले शख्स के जूतों में जाके सोचना, अगले शख्स के ज़िंदगी में, उसके जहन में, उसकी जहनीत के हिसाब से सोचना कि वो इस वक्त क्या चीज़ फेस कर रहा है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस और एम्पैथी ऑलरेडी मौजूद है, अगर आप स्ट्रेस सिचुएशंस में सब्र रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं और एम्पैथाइज कर सकते हैं, तो आपके अंदर अच्छा कस्टमर सपोर्ट एजेंट या अच्छा कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव बनने के तमाम गुण ऑलमोस्ट मौजूद हैं। मगर अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और एम्पैथाइज आप नहीं कर सकते हैं, मगर आपको कस्टमर सपोर्ट का रोल मिल गया है, आपने अपनी एक कंपनी स्टार्ट कर ली है और अब कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, तो अब आपको अपने अंदर पेशेंस और एम्पैथी डेवलप करनी होगी। क्योंकि कस्टमर बहुत स्मार्ट होता है, कस्टमर आपसे बात करके आपकी शख्सियत से बहुत जल्दी वाकिफ हो जाता है कि ये शख्स क्या मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्या मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, क्या मेरी तरफ मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहा, और वो ऐसे में दूसरी प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। तो या तो आप पेशेंस और सिंपैथी, माजरत के साथ, पेशेंस और एम्पैथाइज करते हैं, ये स्किल आपके अंदर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पेशेंस और एम्पैथी की स्किल अपने अंदर पैदा करिए, सब्र पैदा करिए और कस्टमर्स के साथ बहुत कर्टेसी, बहुत ही पोलाइट होकर उनसे बात करिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, उनको भरपूर बोलने का मौका दें, और उनकी बात जब आप सुन चुके होंगे तो फिर उसके बाद एम्पैथाइज करें, समझने की कोशिश करें कि वो किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और उनको उसका पॉसिबल सॉल्यूशन बताइए। तो पेशेंस और एम्पैथी बहुत इम्पॉर्टेंट है कस्टमर सपोर्ट के लिए।